आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि मिनाल खान की शादी के फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट क्या अपडेट है जैसा कि उनकी मंगनी हुई और सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी शादी की कोई न्यूज़ स्प्लिट होती है तो इस वक्त मैं आपसे इस वीडियो में यही शेयर करूंगी कि उनकी शादी से रिलेटेड क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा मिनाल खान की मंगनी का फंक्शन हुआ जो कि बहुत ह्यूज लेवल पे हुआ और बहुत लेविश किस्म का ये फंक्शन था लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया साथ साथ तनकीद का निशाना भी बनाया क्योंकि उस पर बेजा खर्चा किया गया था लेकिन अब लगता ये है कि अब जब उनकी निकाह की डेट अनाउंस हुई है और दस सितम्बर डेट रखी गई है तो अब देखते हैं कि ये कितना लेविश होता है और लोग इसको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं आपको ये बताती जाऊँ कि ऐमन ख़ान की जब शादी हुई थी और उनके दस फंक्शन रखे गए थे तो लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था उनका कहना था कि इस तरह से सेलेब्रिटीज़ को नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर सारी आवाम इनको कॉपी करती है साथ ही साथ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लेकिन आपको पता है कि सेलिब्रिटीज़ तो अपने हिसाब से अपने फंक्शन रखते हैं और लगता यह है कि इस बार जब मीनार ख़ान का फंक्शन होगा तो वह ऐमन ख़ान के फ़ंक्शन से भी ज़्यादा ह्यूज होगा और उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे साथ ही साथ आपको बता दूं कि कार्ड तो छप चुके हैं और ये बट पी चुके हैं और जो जो लोग इनवाइट किए गए हैं उनकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है रिसेंटली उन्होंने एक फंक्शन अपने घर पे रखा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया था और सिर्फ फ्रेंड सर्कल जो था उसको इनवाइट किया गया था और करीबी रिश्तेदारों को उसमें इनवाइट किया गया था और इसको अलविदाई पार्टी का नाम दिया गया था और इसमें उनके सिर्फ करीबी लोग ही शामिल थे तो इससे यही लगता है कि इनके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं फिलहाल निकाह का फंक्शन इन्होंने 10 तारीख को रखा है जो कि हम देखेंगे कि किस किस्म की उसमें ये लोग अरेंजमेंट्स करेंगे वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच जाए वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़